सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक पे कमेटी रिपोर्ट की स्थिति के बारे में एक नोट जारी किया गया जो कि आपके सामने है। इसमें ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जनरल सेक्रेटरी SS महादेवैया ने बताया है कि GDS पे कमेटी रिपोर्ट की सिफारिश से संबंधित जो कैबिनेट नोट था वो PMO ऑफिस एवं वित्त मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और 19 जनवरी 2018 को PMO कार्यालय में उच्च पदाधिकारी के साथ इसके बारे में विचार विमर्श हुआ था और उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि आने वाले 1-2 सप्ताह में GDS पे कमेटी रिपोर्ट के बारे में अंतिम निर्णय हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि इस महीने के अंत में GDO कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और बजट सत्र के लिए, तो उस मीटिंग के दौरान ही GDS पे कमेटी रिपोर्ट को भी अंतिम अनुमोदन मिलने की पूरी उम्मीद है। साथ में इन्होंने यहाँ पे एक बात और बताई है कि WhatsApp और YouTube पर कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं जिनमें GDS पे कमेटी रिपोर्ट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लेकिन इन सब बातों पर आप ध्यान ना दें। और उन्होंने फिर से यही बताया कि इस महीने के अंत तक GDS पे कमेटी रिपोर्ट लागू हो जाएगी। और दोस्तों, हम भी आपको यही बताना चाहेंगे कि जैसे इस महीने के अंत में कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और उसमें 99% GDS पे कमेटी रिपोर्ट को अप्रूवल मिलने की पूरी उम्मीद है। तो आप बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, क्योंकि जैसे ही GDS पे कमेटी रिपोर्ट अप्रूव होती है हम आपको उसकी सूचना सबसे पहले देंगे। तो एक बार फिर से आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।